हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने अपने चैप्टर को यहाँ तक रीड कर लिया था। आज हम इसे आगे रीड करेंगे, शेयरिंग वर्क एट होम। घर पर काम शेयर करना, मतलब घर पर हम एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं काम शेयर करके। तो इसमें डिस्कशन किया गया है इस टॉपिक में। टुडे मदर इज अनवेल, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है। शी हैज़ फीवर, उनको बुखार है। हेंस शी इज़ वोरिड हाउ मनंत एंड राजेश विल गो टू स्कूल, इसलिए वह चिंतित है कि मनंत और राजेश स्कूल कैसे जाएंगे। फादर शेड, पापा ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो। वी वेल मैनेज एवरीथिंग, मैं सब कुछ अच्छे से प्रबंध यानी मैनेज कर लूँगा। फादर वेंट टू गेट मिल्क एंड राजेश वाटर्ड दी प्लांट्स, पापा हैं वो दूध लेने के लिए गए और राजेश ने पौधों में पानी डाल दिया। मनंत पैक्ड देयर लंच बॉक्सेज, मनंत ने लंच बॉक्स है वो पैक कर लिया। देन बोथ मनंत एंड राजेश गोट रेडी फॉर स्कूल, इसी प्रकार मनंत और राजेश दोनों स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। फादर क्विकली टोस्टेड मैनी स्लाइसेज ऑफ ब्रेड, पापा ने जल्दी से ब्रेड के बहुत सारे स्लाइसेज कर दिए। मनंत एंड राजेश अप्लाइड बटर एंड जैम ऑन देम एंड दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, मनंत और राजेश ने ब्रेड पर है बटर और जैम लगा लिया और उन्होंने उनका ब्रेकफास्ट हो गया। देन दे वेंट ऑफ टू स्कूल, वे दोनों स्कूल चले गए। फादर टुक लीव फ्रॉम ऑफिस टू लुक आफ्टर दी मदर, पापा ने माँ की तबीयत खराब थी, माँ की देखभाल के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली। वी आल नीड टू वर्क एट होम टू, इसी प्रकार घर पर काम करने की हमें ज़रूरत है, आवश्यकता होती है यानी आवश्यक है। वी शेयर दी वर्क एट होम सो दैट नो मेम्बर्स ऑफ दी फैमिली इज ओवर बर्डन्ड, अगर हम परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को यानी जो भी काम है मिल बांट के करें तो किसी पर ओवर बर्डन यानी दबाव नहीं होगा। वी हेल्प इज अदर बाय शेयरिंग दी वर्क, इसी प्रकार एक दूसरे की मदद भी हो जाएगी। वी हेल्प इज अदर बाय शेयरिंग दी वर्क। तो बच्चों, आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे। यहाँ तक आपको चैप्टर को रीड करना। बाय।